वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आए 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 मजे आए 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 तो गाइस बजाज ऑटो इंडिया के साथ साथ काफी सारे और देशों में भी काफी ज्यादा पॉपुलर है और इसका मेन रीजन है बजाज का पल्सर ब्रांड। और पल्सर ब्रांड के दो ही बहुत ही ज्यादा फेमस बाइक है, जो कि पहली है पल्सर NS200 और सेकंड बाइक है पल्सर RS200। और बजाज ऑटो ने 6 महीने पहले इन दोनों बाइक्स की प्रोडक्शन को बंद कर दिया था। और गाइस अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों बाइक्स का न्यू मॉडल कब तक लॉन्च होएगा। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपके साथ इसी टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूं। तो गाइस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को तो लाइक कीजिएगा ही। तो चले गाइस अब बिना आपका समय गवाए वीडियो करते हैं जल्दी से शुरू। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो गाइस अभी हाल ही में बजाज ऑटो ने अपनी दो नई पल्सर सीरीज की बाइक का ट्रेडमार्क इंडिया के अंदर फाइल किया है, जिसमें से पहली है पल्सर इलेन और सेकंड है पल्सर एलिगेंस। और ये बजाज की तरफ से दो नई अपकमिंग बाइक्स है जो कि बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाली है। और अभी पल्सर RS200 और पल्सर NS200 की प्रोडक्शन को डिसकंटिन्यू हुए लगभग 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं और अभी तक इन दोनों बाइक्स के न्यू मॉडल का कोई भी अता पता नहीं है। तो गाइस अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या बजाज ऑटो धीरे धीरे करके NS200 और RS200 को मार्केट से खत्म कर रहा है और इन बाइक्स का बजाज ऑटो अपनी दो नई बाइक्स को लॉन्च कर रहा है। अरे हाँ भाई हाँ। तो गाइस यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि बजाज ऑटो पल्सर NS200 और पल्सर RS200 को धीरे धीरे करके मार्केट से खत्म कर रहा है और इन बाइक्स का वो अपनी पल्सर इलेन और पल्सर एलिगेंस को लॉन्च करेगा, क्योंकि इससे पहले ये सेम चीज बजाज ऑटो ने पल्सर 220F के साथ की और सबसे पहले इस बाइक की प्रोडक्शन को बंद किया, फिर धीरे धीरे करके ये वाली जो बाइक है पूरी तरह से डिसकंटिन्यू हो गई और फिर इस बाइक की जगह पल्सर ने अपनी दो नई बाइक को लॉन्च किया, एक पल्सर N250 और सेकंड थी पल्सर F250। और इन दोनों बाइक्स के लॉन्च होने से जो पल्सर 220F थी उसको कंपनी ने पूरी तरह से डिसकंटिन्यू कर दिया और अपनी वेबसाइट से भी इस बाइक को हटा दिया। और यहाँ पर शायद पल्सर इलेन और पल्सर एलिगेंस के लॉन्च होने के बाद शायद बजाज ऑटो पल्सर NS200 और पल्सर RS200 को इंडियन मार्केट से डिसकंटिन्यू कर दें। और ये भी हो सकता है कि ये जो न्यू अपकमिंग बाइक है ये शायद NS200 और पल्सर RS200 से काफी ज्यादा एडवांस हो। तो गाइस आपकी क्या राय इस बारे में ये तो प्लीज आपको मेरे को कमेंट करके बताना है। और गाइस अगर आप पल्सर NS200 और पल्सर RS200 का बेसब्री से वेट कर रहे हो तो ये चीज आपको मेरे को प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर करनी है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस आपसे बहुत ही जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे।